वेलकम बैक टू चैनल मिताली ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड, आज का एक न्यू चैलेंज वीडियो है और चैलेंज का टाइटल देख के आपको पता ही चल चुका होगा, कैरी लिफ्ट चैलेंज। तो एक दूसरे को मतलब गोद में उठाना है, ठीक है। बहुत मज़ेदार वीडियो है, मैंने देखा है और ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है कि ये वाला चैलेंज वीडियो आप लोग बनाओ। तो आप लोगों के डिमांड पे ही बना रहे हैं और बहुत लोगों ने बहुत सारा सजेस्ट किया है कि ये चैलेंज बनाओ। तो जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वही वाला चैलेंज वीडियो आज हम बना रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है ना, और बहुत ज़्यादा प्यार देना क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग टाइम निकाल के एक साथ में बनाते हैं वीडियो। तो चलो, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कौन किसे पहले उठाएगा तुम उठाओगे पहले? तो पहले शंकर जी उठाएंगे। तो चार पांच तरीके का स्टेप दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे हम लोग क्योंकि बहुत से स्टेप ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल है, जो सबसे ज्यादा इजी लगेगा हमें वही सारा दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले तुम मुझे उठाओ, उसके बाद मैं तुम्हें उठाती हूँ। तो उठाओ, तो पहला स्टेप देख लो बहुत ज्यादा पेट बट गया है मेरा तो पतले होते तो वैसे ज्यादा भी और भी उठाना है। हाँ, तो और भी उठाना है। तुमने एक बार उठाया तो मैं तुम्हें उठा के देखती हूँ। पहले मैं उठाऊंगा ना, पहले एक एक सारे तुम उठाओगे, ठीक है। अब ये है दूसरा वाला, अब तो गिर जाओगे तो ये वाला पोजीशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे मैं मर जाऊंगा, गोल गोल घूमो। नहीं घूमूंगा, घूमो। हो गया दूसरा वो हो गया, तीसरा तो मुझे कंधे पे लग गया। ऐसे उठ भी नहीं पा रहे, बैठे तो बैठे मैं उठ ही नहीं पा रहे। इतनी मैं मार ही नहीं हूँ जैसे तुम ट्रीट करवा रहे हो। इस पे चढ़कर मेरे पे हट, पीठ पे बैठो ना। अच्छा, बैठ बैठा के कहाँ से होता है? हाँ, हेलो, अब हो गया। पीछे जाओ, पीछे। ठीक है अब। अच्छा, चल के दिखाओ अच्छे से। अब कैसे चलूँ? चल गया। तुम्हारा गला दबा दो। गला दबा के मार रहे हो मेरे को। तीसरा, और कौन सा? और कहाँ? गोदी उठाओ। गोदी? हाँ, गोदी जैसे बच्चे को उठाते। गिर जाओगे बोल रहा हूँ। चौथी बच्ची हुआ। तो फ्रेंड बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। पानी पानी, चलो एक्टिंग बंद करो। और लास्ट है, बस हो गया है, बस हो गया। और एक 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 लास्ट है, एक लास्ट। मुझे कंधे पे गिर गिर जाओगे मित्र, मत चलो। गिर नहीं जाओगी, करो ना प्लीज। तो चलो ठीक है, एक उठा के गोल गोल घुमा के बस दिखाओ, फिर उसके बाद खत्म। हाँ, गोल घूमना है तुम्हें, गोल गोल घूमना है। मजे आ रहे हो। शंकर जी ने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया, अब मेरी बारी। वैसे शंकर जी मुझे उठाते रहते बीच बीच में, मैं कभी कभी गोदी में लटक जाती हूँ, बट मैंने उनको कभी नहीं उठाया है। मुझे नहीं पता कितना कितना भारी होगी तुम। वैसे तुम्हारी भी तोंद निकल गई है, तुम्हारा चला गया। हाँ, अंदर नहीं गया है। सांस छोड़ो, सांस छोड़ो। शंकर जी भी बहुत ज्यादा मोटे हो गए, तो इनका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है फ्रेंड्स। मेरे से कम नहीं है, ठीक है, ज्यादा मत बोलो, मैं बता दूंगी वीडियो में कितना वेट है तुम्हारा। हमारे घर में वेट मशीन है तो हम लोग हर महीने में दो बार तीन बार देखते रहते हैं अपना अपना वेट। बताओ, बता दो तुम्हारा वेट तो ठीक है ना फिर। तो अभी मैं उठा के देखती हूँ, पैंट ना खुल जाएगी तुम उठाते उठाते। गेट ना मत मुझे। वैसे तो ओ ओ बाप, कौन सा ये वाला? गेरूंगी तो नहीं। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ही भारी। पीठ पे लो। अब पीठ पे मैं ले लूंगी, जैसे मैं चढ़ी थी वैसे ही चढ़ू। मुझे तो गोदी में लिया ही कहां तुमने? नहीं ले लिया है, बस थोड़ा सा भी ले लो जाते। गिराओ
गिराऊंगी नहीं, तुम डरो मत। गिराऊंगी तो तुम्हारी हड्डी पसली सारी टूट जाएगी। ठीक है, और कौन सा है? और कौन सा है? एक ये उठाना हो गया, वो वाला मैं कर नहीं पाई। एक गोदी उठाना, जैसे बच्चे की तरह गोदी चढ़ता है। और क्या चाहते हो? उठा दो लिया, अब क्या बच्चे की जान लोगे? इतना वेट उठा लिया, 80 किलो। 80 किलो? 80 किलो वेट उठा लिया, कोई बात थोड़ी बात है। बोलो 80 किलो नहीं है तुम तो बता दो, सच्ची सच्ची बता दो कितना। मुझे नहीं पता है। नहीं पता है तो चिड़ क्यों रहे? चिड़ो मत। फ्रेंड हमारा चैलेंज वीडियो क्या था, कैरी लिफ्ट चैलेंज वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने, दो लोगों ने आई थिंक, एक दो लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट किया था, तो उसका जवाब मैं दूंगी पॉजिटिव थिंकिंग में दूंगी नेगेटिव कमेंट का जवाब। तो चलो अभी मैं देखती हूँ क्या कमेंट है, उसके बाद आप लोगों को भी सुनाती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। तो फ्रेंड लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे 2-3 नेगेटिव कमेंट, जो कि जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, और अगर जवाब नहीं भी दूंगी तो लोगों को ये लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो जवाब देना भी ज़रूरी है। तो ये है शाहिल खान ऑफिशियल, इन्होंने लिखा है, जब तुम्हारा कोई वीडियो ही नहीं देखता है तो क्यों बनाती हो यार, मत बनाया करो, कोई भी लाइक नहीं करता है लोग। तो ठीक है, तो इनको मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि वीडियो हम, आप लोग सोचते हो कि बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है, वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद अगर चले या ना चले, ये मतलब हम तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि लोग देखें, लाइक करें, और अगर लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली वीडियो में कुछ ना कुछ खराबी है, कमी है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो आपका बहुत अच्छा होता है बट फिर भी YouTube जो है लोगों तक पहुंचा नहीं पाता है कि आपके वीडियो ज़्यादा ग्रोथ करे, चले, तो हम लोग अपने तरफ से पूरी 100% कोशिश करते हैं, उसके बाद लाइक आना या फिर ना आना ये बात की बात है। और एक चीज़, YouTube में सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत के साथ साथ लक भी होना बहुत ज़रूरी है, तो शायद हमारा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है कि हमारे इतने अच्छे वीडियो बनाने के बाद भी उसमें व्यूवर्स जो है बहुत कम लोग हमारा वीडियो देखते हैं, और वीडियो में लाइक कमेंट आने से कुछ नहीं होता, वीडियो को कितने लोग देखते हैं यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। और मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट 100 या फिर 200 तक ही जाता है, और जब हम लोग कपल आते हैं तो थोड़ा 1000 तक चला जाता है ना, 700-800 1000 तक चला जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि आप लोग कपल देखना ज़्यादा पसंद करते हो, और हम लोग कोशिश करेंगे आगे कि हम दोनों साथ मिल के वीडियो बनाते रहें। और थैंक यू आपने सजेस्ट किया है, तो वीडियो बनाना तो बंद नहीं करेंगे, हम ऐसे बनाते रहेंगे, बाकी लाइक मिले या ना मिले वो बात की बात है। और किसी ने ये पैटर्न किंग है, इन्होंने बोला है, एक बात तो कुछ अलग है कि दोनों लेफ्टी हो, लेकिन इसे ईटिंग चैलेंज नहीं बोलते, बस ऐसा वीडियो मत बनाया करो, लोग बहुत बोर हो जाते हैं। तो मतलब मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग लेफ्टी नहीं है, हमने वो जो ईटिंग कड़ी ईटिंग चैलेंज वीडियो था वो हमने फ्रंट कैमरे से बनाया था, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब बैक कैमरे से पकड़ने वाला नहीं था, और कब बंद भी हो, कभी कभी ऐसा होता है ना वीडियो, आप मतलब आपको दिख नहीं रहा आप बना रहे हो तो वीडियो कभी कभी रुक जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं हमेशा। तो उस वजह से हमारा हाथ जो है लेफ्ट साइड, मतलब ऐसा लग रहा था कि उल्टे हाथ से खा रहे, बट वो हमारा राइट साइड ही था। और ऐसा वीडियो देख के अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ आप मत देखो, और काफ़ी लोगों ने तारीफ भी की है, सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगा कि बोर हो जाते हैं लोग, तो प्लीज़ अगर आप बोर हो जाते हो तो हमारे वीडियोस मत देखा करो। और भी बोला है इन्होंने, अगर चैलेंज करना ही है तो 1 kg बंगाली मिर्च खाने का चैलेंज रखो, तभी तो देखने वाले को लगेगा कि कोई चैलेंज हो रहा है। तो भाई साहब माफ़ कर दो, 1 kg बंगाली मिर्च खा के, तुम अगर बंगाली मिर्च, एक होता है बम्बई मिर्च, वो अगर आधा भी खा के बता दो ना तो मैं मानूंगी कि हाँ
कि आप कर सकते हो। मुंह से बोलना बहुत ज़्यादा इजी होता है बट वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक किलो मतलब एक किलो मिर्ची कौन खा सकता है भाई? मैंने तो आज तक यूट्यूब में नहीं देखा कि किसी ने एक किलो बंगाली मिर्च या फिर एक किलो कोई भी मतलब तीखी मिर्च खा के चैलेंज किया हो। लोग इतने पागल भी नहीं है कि मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में और फेमस होने के चक्कर में कुछ भी खा ले और उसके बाद फिर मर जाए। ठीक है, तो ऐसा कमेंट ऐसा सजेस्ट हमें मत किया करो। तो और भी काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे जो बोला है, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया है और सजेस्ट भी किया है किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और हमें सजेस्ट कर सकते हैं किस किस तरीके की हम वीडियो बनाए, कपल चैलेंज या फिर फूड ईटिंग चैलेंज आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। हमें जिसका सजेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा वो वाला हम वीडियो बनाने की 100% कोशिश करेंगे। तो आज का ये वाला वीडियो हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।